हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी पैनल फॉर ज्वाइनिंग, जिसमें आरआरबी चंडीगढ़ और जिसको आरआरसी एनआर यानी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का आपका मुख्यालय जहां पे है ग्रुप डी के लिए आ चुका है, लेकिन इसमें नॉर्मल कैंडिडेट का अभी नहीं आया है, न डिवीजन मिला है, लेकिन यहां पे एक सर्विसमैन सीसीए यानी अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का आ चुका है, फाइनल रिजल्ट प्लस डिवीजन अलॉटमेंट। तो इसके लिए आपको नॉर्मल के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। डिवीजन अलॉटमेंट हुआ है लेकिन एक सर्विसमैन सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो इसके लिए वेबसाइट पे आइएगा तो वेबसाइट आपको दिख जाएगा। वेबसाइट देखिएगा तो यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न रेलवे का मैं खोल रखा हूँ, वेबसाइट आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे rrcnr.org है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन दिख रहा है कि जिन कैंडिडेट का PwD में है और उनका अभी नॉट डिवीजन अलॉटमेंट शो हो रहा है, तो यहाँ से स्टेटस चेक कर लें कि आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टेटस यहाँ से दिख जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको दिया हुआ है जहाँ पे आपका PwBD एक सर्विसमैन और CCA को इशू हो गया है, डिवीजन यूनिट अलॉटमेंट इज फाइनल, नो रिक्वेस्ट चेंज फॉर चेंज विल बी इंटरटेन बाई RRC फॉर इन तीनों कैंडिडेट के लिए। किसके लिए? PwBD एक सर्विसमैन और CCA अप्रेंटिसशिप का अब चेंज नहीं हो सकता। इसको अगर देखना है तो सबसे पहले इसको ओपन कीजिएगा क्लिक हेयर, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, रिजल्ट पब्लिक नहीं किया गया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे या तो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रोल नंबर आपको डालना है, रोल नंबर डालिएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और सबमिट कीजिएगा फाइनल, तो आपका स्टेटस आ जाएगा। उसी तरह अगर जिन लोगों का डिवीजन नहीं अलॉट हुआ है उनके लिए भी ऑप्शन इन्होंने दिया है कि दूसरे वाले ऑप्शन पर जाके PwD कैंडिडेट देख सकते हैं। अब बच गया नॉर्मल कैंडिडेट का, तो नॉर्मल कैंडिडेट के बारे में अभी रिजल्ट के बारे में कह सकते हैं कि हो सकता है प्रोसेस में है, नॉर्मल कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, एक सर्विसमैन के बहुत कम थे, CCA की बहुत कम थी, PwD का कुछ सीट रिजर्व था उतना ही था, इसलिए इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही है 2 से 10 दिन के बीच में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन में भी आ जाए, लेकिन मंडे के बाद से प्रोसेस आगे कैंडिडेट का होगा, लेकिन डेट अभी नहीं दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।